हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आपण माने किपरि अछन्ति आशा करूछि बहुत भल रे थिबे। आज मु आपण मानक सहित एही परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग वीडियो शेयर करूछि। आगर कहि रखुछि फ्रेंड्स, एही वीडियो टी मु जते बेले पार्लर ओपन थिला, जते बेले लॉकडाउन होइ नथिला, तो सेते बेले मु बनाइथिली। मु आपण मानक सहित शेयर करि नथिली, आज मु आपण मानक सहित शेयर करूछि। स्ट्रेटनिंग रो बिफोर पिक देखि नियंतु फ्रेंड्स, हेयर किपरि अछि तो कला परे आपण रिजल्ट देखि नेबे। फ्रेंड्स, बहुत बहुत भल रिजल्ट आसीछि। स्ट्रेटनिंग करिबा पूर्वरु फास्ट प्रोसेस रे आमे हेयर को भलसे शैम्पू करिनेबा। आपण शैम्पू कला बेले ध्यान देबे फ्रेंड्स, बहुत भलसे पूरा क्लीन भाबरे शैम्पू करिवे। एही परि भाबरे भलसे शैम्पू कला परे हेयर को भलसे क्लीन भाबरे धोई नेबे। फ्रेंड्स, आपण जो शैम्पू यूज करिवे, आपण ध्यान देबे स्ट्रेटनिंग वाला शैम्पू ही यूज करिवे। तो मु एठारे स्ट्रिक्स कैनवोलाइन शैम्पू यूज करूछि फॉर स्ट्रेटनिंग हेयर। तो आपण मध्ये एही परि भाबरे जे कोनोसी ब्रांड हेउ ना काहेकि आपण आपणकर हेयर स्ट्रेटनिंग वाला शैम्पू ही यूज करिवे। तो देखि नियंतु फ्रेंड्स, शैम्पू होइ गला परे मु एबे हेयर को ड्राई करि नेउछि। हेयर ड्रायर हेल्प रे भलसे हेयर को फर्स्ट टाइम ड्राई करि नेबा, देन आमे नेक्स्ट प्रोसेस को जीवा। फ्रेंड्स, मुझे वीडियो रे आपण मानक सहित स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल्स सहित वीडियो टी शेयर करछि। बिल्कुल स्किप न करी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिनेबे। तो देखि नियंतु फ्रेंड्स, ड्रायर कला परे मुझे एबे हेयर को हल्का हल्का आयरन करि नेउछि। आपण जदि चाहिबे फर्स्ट स्ट्रेटनिंग कला परे क्रीम यूज करिवे, नहले आपण डायरेक्ट क्रीम यूज करि परिबे। आपण जदि कम बजेट रे स्ट्रेटनर मशीन परचेस करबा को चाहूचंती, तो आपण वेगा रे यूज करिपारिबे, बहुत भलो अछि बजेट अनुसार। आउ जदि आपण हाई बजेट रो किनबा को चाहूचंती, तो आपण आइकोनिक यूज करिपारिबे। फ्रेंड्स, एही आइकोनिक हेयर स्ट्रेटनर मु एही जो वीडियो आपण मानक सहित शेयर करूची, स्ट्रेटनिंग वीडियो करि सल्ला परे एहा को मु परचेस करितली। तो एही वीडियो रे मु एही मशीन को यूज करू नाही, भेगारो मशीन यूज करिकि आपण मानक सहित शेयर करूची। नेक्स्ट जो आपण मानक सहित वीडियो शेयर करबी स्ट्रेटनिंग रो, तो एही आइकोनिक मशीन रे ही यूज करकि आपण मानक सहित शेयर करबी। फ्रेंड्स, आपण जदि हाई बजेट रे परचेस करबा को चाहूचंती, तो आइकोनिक स्ट्रेटनर यूज करिवे। तो आपण नॉर्मल स्ट्रेटनर आ आइकोनिक स्ट्रेटनर भितरे फरक जानिपरिबे, बहुत भलो फ्रेंड्स। तो एबे चलंतु देखि नियंतु फ्रेंड्स वीडियो देखि नियंतु फ्रेंड्स, एही परि भाबरे मु स्ट्रेटनिंग करि नेउछि। तो आमे स्ट्रेटनिंग करि सरिबा परे फास्ट क्रीम को अप्लाई करिबा। आउ गोटे कथा फ्रेंड्स, आपण जेतेबेले हेयर को वाश करिवे फास्ट, तो केवल शैम्पू ही यूज करिवे, कंडीशनर कि सेरम किछि भी यूज करिवेनी, केवल शैम्पू रे वाश करिनेबे भलसे। एबे आमे फास्ट क्रीम अप्लाई करिबा फ्रेंड्स, तो सेति पई मु एक बाउल रे क्रीम को फास्ट बाहर करि नेउची। तो एठारे मु स्ट्रिक्स रो हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम यूज करूची। साधारणतः आमको हेयर स्ट्रेटनिंग करिबा पई आमको दुईटा क्रीम यूज करबा को पड़ी थाए, जहा कि हमरो हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम आउ गोटे न्यूट्रलाइजिंग क्रीम। ता छोडा आमरो हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीम मध्य दुई रो तीन टाइप रे थाए। तो मु एठारे स्ट्रिक्स रो दुई टाइप रे थाए, तो मु एठारे स्ट्रिक्स रो 0 नंबर आउ 1 नंबर यूज करूची। आपण जेतेबेले हेयर स्ट्रेटनिंग करिवे फ्रेंड्स, आपण आपणकर क्लाइंट रो हेयर हिसाब रे फास्ट क्रीम को चूज करबा को पड़िबो। आपण जदि प्रोडक्ट नॉलेज विषय रे जानिबा को चाहुथिबे, तो मते कमेंट बॉक्स रे लेखि के जणाइबे, मु आपणकु फुल डिटेल्स रो सहित प्रोडक्ट नॉलेज रो वीडियो शेयर करिवी। तो देखि नियंतु फ्रेंड्स, एही परि भाबरे क्रीम को भलसे मिक्स करिनेबे, देन आपण अप्लाई करिवे। जेतेबेले भी आपण क्रीम अप्लाई करूछंती, आपण डायरेक्ट बहुत सारा क्रीम बाहर करिनेबेनी, कारण जदि क्रीम बहका रही जीव बळिबो, तो आपणकर बहुत लॉस हम। तो तेणुक्र आपण अल्प किसी किसी क्वांटिटी क्रीम बाहर करी यूज करेंगे, देन आवश्यक हेले आउ किसी बाहर करेंगे। तो देखि नियंतु फ्रेंड्स, यहीपरी पतला पतला सेक्शन बाहर करी भल से पूरा क्रीम को अप्लाई करेंगे। आउ क्रीम अप्लाई कला बेले आपण बिल्कुल कंजूस करें कि कम कम क्रीम यूज करी हेयर स्ट्रेटनिंग करेंगे, सेमती भावेनि। प्रोडक्ट आपको सफिसीयंट देवा पड़ा, जैसे आवश्यक आपको प्रोडक्ट से हिसाब से अप्लाई करा पड़ो। तो देखि नियंतु फ्रेंड्स, यहीपरी भाव में मु बहुत पतला पतला सेक्शन नहीं कि क्रीम को अप्लाई करने हुची। फ्रेंड्स, आपण जदि चाहिबे फास्ट क्रीम अप्लाई कला बेले ग्लोव्स पिंधि पारिबे। मते एठारे बहुत जल्दी काम करिवार थिला, तो मु एठारे ग्लोव्स यूज करिनाही, आपण जदि चाहिबे यूज करिपारिबे। ता छोडा फ्रेंड्स, ए क्रीम रे हाथ रे किछि भी इन्फेक्शन हुए ना, तो मु प्राय टाइम एमती ही यूज करिनिए। तो देखि नियंतु फ्रेंड्स, एही परि भाबरे पूरा पतला पतला सेक्शन आणी कि भलसे क्रीम को अप्लाई करिवे, कारण आपण अप्लाई कला बळे जदि आपणकर किछि हेयर रे क्रीम अप्लाई हेबो नाही, तो जदि क्रीम लागिवनी, तो सेठारे आपणकर स्ट्रेटनिंग हेबो नाही। फ्रेंड्स, आम परमानेंट हेयर स्ट्रेटनिंग कला बेले आम दुईटा क्रीम ही यूज करी था, फास्ट क्रीम देन सेकेंड क्रीम। आम फास्ट क्रीम जो यूज करू से आम हेयर रो बॉन्ड को भांगी दिए, देन आम नेक्स्ट क्रीम जो सेकेंड क्रीम यूज करू से
से आमर हेयर को लॉक करके रखे। तो आपण वीडियो को बिल्कुल स्किप न करी स्टेप बाय स्टेप देखी नियंतु फ्रेंड्स। मु यही वीडियो रे आपण मानक सहित फुल डिटेल्स शेयर करी, आपण को प्रैक्टिकल थ्योरी सब यही वीडियो रे मिल जिवो। तो फ्रेंड्स आपण को किछि भी जदी डाउट थिवो मते कमेंट सेक्शन रे लेखिकि जणाइबे, मु आपण मानक सहित डाउट सब क्लियर करबा पई नेक्स्ट वीडियो मध्ये बनाइबी। तो देखी नियंतु फ्रेंड्स एही परिभाव रे मु भल से अप्लाई करि नेउछि। आपण मध्ये एही परिभाव रे भल से क्रीम को अप्लाई करिकि आपण हेयर को पूरा स्ट्रेट रखिबे। सेक्शन बाहर करके आप जोबले हेयर रे क्रीम अप्लाई करूबे तो बाकी हेयर को आपण आपण क्लाइंट को धरने को देपारे ना आपण सहित जदि कहीं थे हेल्प करने तो आपण हेयर को धरने को देपारे। जदि आप हेयर स्ट्रेटनिंग करूँ फ्रेंड्स आपण सहित आउ जो किए रे बहुत भल हेब, कारण फ्रेंड्स आमको हेयर स्ट्रेटनिंग करने 4-5 घंटा टाइम लगी थाए। जदि आमको किए हेल्प करने थाए तो किसी नक फ्रेंड्स से आमको जिते आम क्रीम अप्लाई करूचे तो सेक्शन बाहर करके देव आम क्रीम अप्लाई कर चलिए तो आमर बहुत जल्दी आमर स्ट्रेटनिंग हो। तो मुझे सब बड़े एका करे फ्रेंड्स, कारण मो पार्लर रे स्टाफ रखी ना तो मुझे सब कम एका ही करे। तो देखी नि फ्रेंड्स यहीपर भाव में किसी सेक्शन बाहर करके क्रीम अप्लाई करने फ्रेंड्स। आपण मैंने जितेबाड़ फास्ट क्रीम को अप्लाई करेंगे तो आपड़ ध्यान देवे कि आपणकर फास्ट क्रीम जमी 20-30 मिनिट्स भितर लगवा सरीज, कारण आम जितेबाड़ हेयर स्ट्रेटनिंग क्रीमटा अप्लाई करदे तो से तार प्रोसेसिंग स्टार्ट हो। जदि भी आपण एका स्ट्रेटनिंग करदी आप क्रीम अप्लाई कला बेले आपणकर लेट हो टाइम टिके अधिका लगुच तो आपण काम करेंगे भाव में आपण बैक रे जो क्रीम अप्लाई करेंगे से सब को बैक साइड को नहीं जाए हेयर को, आउ फ्रंट रे जो हेयर रे क्रीम अप्लाई करेंगे से हेयर को फ्रंट रे रखिए, कारण आम बैक रे जो हेयर रे अप्लाई करे स्ट्रेटनिंग क्रीम तार प्रोसेसिंगटा जल्दी हो फ्रंट रे जो स्ट्रेटनिंग क्रीम अप्लाई करे से टिके लेट रे हबो। तो सही हिसाब से आपण हेयर को वाश करेंगे। देखी नियंतु फ्रेंड्स यहीपर भाव में मुझ सब हेयर रे स्ट्रेटनिंग क्रीम को अप्लाई करी। आपण यहीपर भाव में हेयर रे क्रीम को अप्लाई करिवार 20 मिनिट्स पर हेयर को चेक करेंगे। तो प्रति 5 मिनिट्स को 5 मिनिट्स आपण चेक करेंगे। चेक करिवार तरीका देखी नियंतु फ्रेंड्स, आपण फास्ट यहीपर भाव में किसी हेयर को बाहर करेंगे बहुत पतला हेयर को बाहर करेंगे। तो हेयर को दुई हाथ में एमती धरिकी धीरे धीरे टाणी। तो देखिए हेयर को जितेबाला आम धीरे धीरे टाणी तो से स्प्रिंग टाइप रो कर्ली हेयर टाइप रो, तो आप जानवे जे आपंकर प्रोसेसिंग हो जाए। जदि आपणकर हेयर यहीपर भाव में टाणी द्वारा छिड़ी जीव तो आपत जानवे जे आपंकर प्रोसेसिंग होना आउ कि टाइम दरकार। तो आपरी भाव में प्रति 5 मिनिट्रे चेक करेंगे। आपण देखिपे फ्रेंड्स मुझ टाणी बेलू हेयर स्प्रिंग टाइप रो तो मोर हेयर रे प्रोसेसिंग हो जाए। तो जमीक आपन को मुझे आप फास्ट जो हेयर रे अप्लाई करेंगे क्रीम को से हेयर को फास्ट धोईने देन आपन सेकेंड रे जो फास्ट फ्रंट हेयर रे अप्लाई करेंगे तो से आपको किसी टाइम छाड़ला चेक करेंगे देन आपन वाश करेंगे। तो यहीपर भाव में मुझे वाश कर तो आपण यहीपर भाव में भल भाव में वाश करे क्रीम जमती कि क्रीम आम हेयर रे बिल्कुल रही पूरा भल से क्लीन भाव में वाश करे देन आपड़ ड्रायर रे ड्राई करे। तो ड्राए कला बेल आपड़ पूरा भल से 100% ड्राए करे। तो देखी नियंतु फ्रेंड्स मुझे भाव में भल से हेयर ड्रायर हेल्प ड्राए करे। फ्रेंड्स मुझे वीडियो को टिके स्किप कर ता छोड़ा बहुत सारा स्किप कर दे कारण वीडियो बहुत लॉन्ग हो गले आपन को देखा को बोर लगे। तो से आपण मान सहित केवल इम्पोर्टेंट जिनस सब सेयर करुच्चे। देखी नियंतु फ्रेंड्स यहीपर भाव में हेयर को ड्राए कलापर एवं आम हेयर को स्ट्रेट करे। फ्रेंड्स आपण एवं जो स्ट्रेट करेंगे आपण बहुत भल से स्ट्रेट करेंगे कारण आपण एवं जमी स्ट्रेट करेंगे तार फाइनाल रिजल्ट से हीपरी आसब। तो आपण स्ट्रेटनिंग कला बेले पूरा पतला पतला सेक्शन आणिक हेयर को स्ट्रेट करेंगे आउ गोटे सेक्शन रे हेयर को मिनिमम 4-5 थर स्ट्रेटनर को अप्लाई करेंगे। तो यहीपर भाव में स्ट्रेट कले आपणकर स्ट्रेटनिंग बहुत भल हे फ्रेंड्स। ता छड़ा फ्रेंड्स आपन को स्ट्रेटनिंग करने आपणकर स्ट्रेटनर भी गुड क्वालिटी होगा दरकार। जदि आपणकर स्ट्रेटनर भल ना तो आपणकर स्ट्रेटनिंग भल हो पारिबनी। जमती कि फ्रेंड्स आमर ऑनलाइन रे बहुत सारा स्ट्रेटनर मशीन मिलूँ 500-600 टका भितर भी आपको स्ट्रेटनर मशीन मिल जाऊँगी। तो से टाइप रि आप स्ट्रेटनर यूज करेंगे तो आपको भल रिजल्ट आसवनी। तो से आपण को भल क्वालिटी स्ट्रेटनर चूज करने को पड़ो।
जेमिती की आपण को सेरामिक प्लेटेड हो कि टाइटेनियम प्लेटेड हो यही टाइप रो आयरन चूज करबा को पड़िबो। यही टाइप रो स्ट्रेटनर यूज करबा द्वारा आम हेयर रे बहुत भल साइन आसी जाए, स्ट्रेटनिंग हेबा सहित तो साइन मध्य रहे तो हेयर बहुत भल लागे। जेमिती की मुझे एबे जो भेगा हेयर स्ट्रेटनर यूज करुची ये हूँ सेरामिक कोटेड आपण सहित जो स्ट्रेटनर सेयार कली वीडियो रो फास्ट रे मोर आइकोनिक हेयर स्ट्रेटनर से हूँ टाइटेनियम प्लेटेड। तो आपण जदि लो बजेट रे जाउछंती तो आपण यहाँ को परचेज करंतु, आपण जदि हाई बजेट रे जाउछंती तो आइकोनिक रो टाइटेनियम प्लेटेड वाला परचेज करंतु। आपण भी जदि चाहिबे आइकोनिक रो अलगा स्ट्रेटनर मिल जाउची 4-5,000 भितरे तो अलगा भी आपण परचेज करिपरिबे। फ्रेंड्स ये तो थिला हेयर स्ट्रेटनिंग रो मेसीन रो कथा, आपण जदि जानिबा को चाहूछंती तो मते कमेंट बॉक्स रे लेखि कि जणाइबे, मु आपण मानको सहित फुल डिटेल्स रो सहित वीडियोटी बनाइबी। एबे आमे काम ऊपर को आसीबा। फ्रेंड्स देखंतु एही पर भाव रे पतला पतला सेक्शन बाहर करिकि स्ट्रेटनिंग करबा पाए मते प्राय 1 घंटा ऊपर टाइम लागि जायतिला, कारण मु बहुत पतला पतला सेक्शन बाहर करिकि पूरा फाइन भाव रे आयरन करूथिली। तो आपण मध्ये एही पर भाव रे भलसे स्ट्रेटनिंग करिवे। तो देखनियंतु फ्रेंड्स एहीपर भाव में आपण क्लाइंट रो हेल्प नहीं कहे कि हेयर को धरवापी तो आपड़ सेक्शन बाहर करके भलसे आईरन करे। एबे आपण माने देखि नियंतु फ्रेंड्स केते सुंदर से हेयर स्ट्रेटनिंग होइगला। एबे आमे सेकंड क्रीम बा न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को अप्लाई करिबा। तो देखि नियंतु फ्रेंड्स एबे मु न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को एही पर एक बाउल रे बाहर करिने होची, देन अप्लाई करिबा। जमीती कि मुझे आगुरु कही आपड़ जिते बड़े भी प्रोडक्ट बाहर करुँच एका थे बहुत सारा बाहर करें आपड़ कि बाहर करेंगे, देन आप भलसे मिक्स करके अप्लाई करेंगे। जदि आप कम अधारु प्रोडक्ट सरी जाऊँ देन पुणी थे बाहर करेंगे। तो एका थे आप प्रोडक्ट बाहर करें कारण जदि प्रोडक्ट रही तो आपंकर लस हो। तो देखनी न्यूट्रलाइजिंग क्रीम को आम यहीपर भाव में सेक्शन बाहर करके अप्लाई करवा। तो फ्रेंड्स फास्ट क्रीम आपड़ जो अप्लाई करुँच आपड़ पतला पतला सेक्शन नहीं अप्लाई करेंगे, आउ न्यूट्रलाइजिंग क्रीम अप्लाई कला बेले आपठू टे मोटा सेक्शन नहीं अप्लाई करेंगे। आउ गोटे कथा फ्रेंड्स आपण जितेबाले फास्ट क्रीम को अप्लाई करुछंती तो आपण ग्लोव्स यूज करिवे, बट आपण जितेबाले सेकंड क्रीम को अप्लाई करुछंती ग्लोव्स रे बिल्कुल आवश्यकता नाही, आपण एमती नॉर्मल हैंड रे आपण यूज करि परिवे क्रीम को। तो देखि नियंतु एही पर भाव रे आपण अप्लाई करिके स्ट्रेट कुंडाई कि रखिवे, कारण आपण जितेबाले भी फास्ट क्रीम यूज करुछंती तो से हल्का हेयर एपर सपोर्ट हेले चलिबो, बट आपण सेकंड क्रीम अप्लाई कला बेले आपणकर हेयर पूरा स्ट्रेट रहिबा दरकार। आपण आपण को क्लाइंट को कहि देबे बिल्कुल हलिबेनी पूरा स्ट्रेट रहिबे, तो आपण हेयर को पूरा स्ट्रेट पकाइ कि रखिबे, कारण जेमती कि मु आपण को आगरु कहि छी कि आमे जो फास्ट क्रीम यूज करू तार काम हैला आमर हेयर को बॉन्ड को भांगी देबो। तो एबे जो आमे क्रीम यूज करू छी आमे जो बॉन्ड भांगिला परे आमे जो स्ट्रेट कले हेयर को पूरा सीधा कले ताकु आमे लॉक करिवा पई आमे ए क्रीम यूज करू छी। तो तेनु करे ए क्रीम आमे यूज कला बेले हेयर आमर बिल्कुल सीधा हेबा दरकार। तो यहीपर भाव में सीधे कुंडाई की रखने स्ट्रेटनिंग कर सारे क्लाइंट को कहे हेयर स्ट्रेटनिंग ही शैम्पू कंडीशनर सेरम यूज करेंगे, तासह मंथली स्पा ने तो हेयर रो कंडीशन बहुत भल बिल्कुल खराब हेबना। फ्रेंड्स यही वीडियो रे मु आपण मानक सहित फुल डिटेल्स शेयर करबा को चाहूची, आपण को स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस शेयर करबा को चाहूची। जदि वीडियो रे किछ मोर कहिबारे एपर्ट सपोर्ट होइथिबो तो आपण सत्य प्रति ध्यान देबेनी, कारण फ्रेंड्स मु आपण मानक सहित 4-5 घंटा रो प्रोसेस को मात्र 15 मिनिट रे वीडियो एडिट करिकी तासह वॉइस देकी आपण मानक सहित शेयर करूची, किछ सहज कथा नुहे फ्रेंड्स आपण इग्नोर करिनेबे। देखि नियंतु फ्रेंड्स न्यूट्रलाइजिंग क्रीम एही पर भाव में फुल हेयर रे अप्लाई कला परे एही क्रीम को आपण अति बेसी रे 15-20 मिनिट रखिबे, देन आपण वाश करिनेबे। तो देखि नियंतु एही पर भाव में पूरा क्लीन भाव रे आपण वाश करिनेबे। हेयर वाश कला बेले आपण नॉर्मल वाटर रे हेयर को वाश करिवे, कोनोसे शैम्पू कि कंडीशनर अप्लाई करिवेनी। देखि नियंतु फ्रेंड्स बहुत क्लीन भाव रे एही पर भाव रे मु हेयर को वाश करिनेउची, देन आमे एबे हेयर को पोछि नेबा भलसे। हेयर को पोछला बेले आपण टॉवल को घसिकी पोछिबेनी, एही पर भाव रे डैप डैप करिकी हल्का हल्का हेयर को पोछिनेबे, देन आमे एबे हेयर ड्रायर हेल्प रे हेयर को ड्राई करिनेबा। तो देखि नियंतु फ्रेंड्स एही पर भाव रे भलसे ड्राई करिनेउची। नेक्स्ट आमे
हेयर को 70-80% ड्राए कला परे एबे आमे हेयर रे सेरम अप्लाई करिबा। मु एठारे मैट्रिक्स रो हेयर स्ट्रेटनिंग सेरम यूज करूची। तो देखि नियंतु फ्रेंड्स, आपण एही परिभाव रे किछ ड्रॉप्स हाथ रे नेकी एमती ही आपण अप्लाई करिनेबे। देन हेयर को भलो से ड्राए करिनेबे, 100% ड्राए करिनेबे। आउ सबुठ इम्पोर्टेंट कथा हला फ्रेंड्स, आपण आपण को क्लाइंट को कहिबे हेयर स्ट्रेटनिंग करिवारो 3 डेज जाए क्लाइंट पूरा केयर रे रहिबे। हेयर को बिल्कुल ओदा करिवेनी कि क्लॉज करिवेनी, हेयर को कानर पछपटे जाकिबेनी, हेयर को पूरा खुला छाड़िबे। एही परिभाव रे केयर न नई जदी हेयर को कानर पछरे जाकिबे कि क्लॉज करिवे, तो आमर जो स्ट्रेटनिंग करिजे से सब सही परिभाव रे दाग होइजबो। कानर पछरे जाकिबे माने सेठी वेंड होइजबो, तो सेति प्रति निहति भाव रे ध्यान देबा को कहिबे। देन 3 दिन परे आपण क्लाइंट को कहिबे पार्लर को आसिकि हेयर वॉश आपण ही कराइबे आउ हेयर रे स्पा दे परिबे। एबे मु हेयर को 100% ड्राई करि नउछि फ्रेंड्स। आपण को एही वीडियो रे जदि किछि भी सिखिबा को मिलि थाए तो प्लीज फ्रेंड्स मो चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु, ता सह बेल आइकन को मध्ये प्रेस करि नियंतु। लाइक करबा को केबे भी भूलिबेनी। देखि नियंतु फ्रेंड्स केते सुंदर रिजल्ट आसे जाइछि। तो फ्रेंड्स एही स्ट्रेटनिंग आपण को किपरि लागिला मते कमेंट बॉक्स रे लेखि कि जणाइबे। रहौछि फ्रेंड्स, पुनि देखाबा आपण मानक सहित आउ।